तो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी व्लॉग्स। आज वैसे अगर आपका आवाज़ कम आ रहा होगा या थोड़ा आसपास का आवाज़ ज़्यादा हो रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली मंडे टू फ्राइडे टेक न्यूज़ मिलते रहे। एंड बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो शुरू कर। तो सबसे पहला न्यूज आ रहा है वो हम लोग का लेनोवो की तरफ से। तो आपको याद होगा हम कुछ समय पहले लेनोवो लीजन प्रो एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंट एडिशन का बात किए थे, तो अभी उसका प्राइस सामने आया है। तो ये आपको 5,999 युआन में मिल रहा है। इसका इंडियन प्राइसिंग का बात करें तो वो 67,500 रुपीज है। नाउ इस प्राइस में हमको ये थोड़ा कॉस्टली लग रहा है। अब आप बताइए आपको ये कैसा लग रहा है डिवाइस। एंड अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। सो अभी काफ़ी समय से हम लोग एप्पल का नाम सुन रहे हैं स्मार्टफोन मार्केट में, मतलब पहले से ज़्यादा। तो अभी एप्पल अपना इस बार क्वार्टर थ्री 2020 में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन सेल किया है, वो है आईफोन 11 और SE। तो एप्पल 1.6 करोड़ आईफोन 11 सेल किया है एंड अराउंड 1 करोड़ आईफोन SE सेल किया है। तो इससे ये क्लियर है कि एप्पल का जो मिड रेंज डिवाइस है, जो एप्पल मिड रेंज कहता है, मतलब सस्ता डिवाइस, वो सब ज़्यादा बिकता है कंपेयर्ड टू जो उसका एकदम प्रीमियम वाले पे जाता है। तो अब इसलिए हो सकता है कि जो आईफोन 12 सीरीज है उसमें 12 में सारा स्पेक्स जो 12 प्रो में है वो सब ऑलमोस्ट 12 में है। सो अभी काफ़ी समय से रियलमी का कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है एंड अभी रियलमी का एक डिवाइस लिस्ट हुआ है जो कि RMX 2111 एंड मोस्ट प्रोबेबली ये Realme 7 5G हो सकता है। अब देखते हैं ये क्या होता है, ये रीब्रांड होता है क्या होता है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये X7 सीरीज का रीब्रांड आएगा। अब देखते हैं क्या होता है फिलहाल। सो आप काफ़ी समय से डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहे होंगे, अगर आप गेमर हैं स्पेशली आप यूज़ कर रहे होंगे। एंड उसमें हम लोग को फीचर था कि हम लोग अगर डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं या मैक वो सब पे तो हम लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, पर ये सेम काम हम लोग फ़ोन में नहीं कर सकते। तो XDA डेवलपर्स के द्वारा ये पता लगाया गया है कि अब फ्यूचर में जो अपडेट आएगा उसमें हम लोग फ़ोन में भी गेम का स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। एंड जो वर्जन है वो है 48.2 और उसके ऊपर वाला वर्जन। तो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप जाके अपडेट करिए या देखिए आपको कहीं से बीटा प्रोग्राम में मिलता है कि नहीं। सो कल एप्पल का वन मोर थिंग इवेंट था एंड उसमें एप्पल बहुत कुछ लॉन्च किया स्पेशली मैकबुक में। एंड M1 चिप भी आया, उसका फिलहाल हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग प्राइसिंग का बात करते हैं। तो मैकबुक एयर का आपको प्राइस सामने आया है जो कि है 92,000 रुपीज 256 GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए एंड 1,17,990 रुपीज 512 GB वेरिएंट के लिए। सिमिलर प्राइसिंग आपका मैकबुक प्रो के लिए भी 13 इंच वाला, तो इसमें आपको 1,22,900 रुपीज है 256 GB के लिए एंड 1,42,000 रुपीज है आपका 512 GB के लिए। सो गाइज अभी काफ़ी समय हो गया MediaTek का डायमेंसिटी सीरीज को लॉन्च हुए हुए इंडिया में, नहीं चाइना में। एंड अभी तक इसका एक भी डिवाइस इंडिया में नहीं आया है। फिलहाल इसका एक और नया प्रोसेसर MediaTek लॉन्च किया है जो कि डायमेंसिटी 700। ये 720U एंड 720 के अंदर होगा एंड इसका थोड़ा स्पेक्स का बात करिए आपको 2.2 GHz क्लॉक स्पीड के साथ आता है। इसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलता है, 64+16+16 MP कैमरा का सपोर्ट है, 90Hz डिस्प्ले सपोर्ट करता है। तो ये डिसेंट प्रोसेसर है अगर चीप 5G में कंपेयर करें हम लोग तो। एंड अभी देखते हैं कौन फोन आता है ये प्रोसेसर के साथ। गाइज अभी बहुत समय से नोकिया जो है हम लोग को स्मार्टफोन तो नहीं दे रहा है पर फीचर फोन दे रहा है। तो अभी नोकिया अपना एक नया फीचर फोन लॉन्च किया है जो कि है नोकिया 8000 4G। एंड इसका अगर स्पेक्स का बात करें तो ये आपको 2.8 इंच का QVGA डिस्प्ले के साथ आता है, 1.1 GHz का क्वालकॉम 205 सीरीज का 205 प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, 512 MB रैम है एंड 4GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। अगर आप चाहें तो आप इसको 128 GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं एंड KaiOS के साथ आता है, 2 MP कैमरा है इसके अंदर, 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई का सपोर्ट है एंड ये है। और बैटरी का बात करें आपको 1500 mAh का बैटरी है। अब प्राइस का कुछ पता नहीं चला, जब पता चलेगा आपको हम बता देंगे। सो गाइज अभी नोकिया वैसे तो इंडिया में स्मार्टफोन नहीं लॉन्च कर रहा है पर बाहर जरूर कर रहा है। तो अभी नोकिया का एक और डिवाइस लॉन्च हुआ है जो कि नोकिया 8V 5G। इसका स्पेक्स का बात करें इसमें आपको 6.81 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलता है, स्नैपड्रैगन 765G के साथ आ रहा है, 64+12+2+2 MP कैमरा के साथ आता है। फ्रंट कैमरा की बात करो आपको 24 MP फ्रंट कैमरा मिल रहा है
6 GB रैम एंड 8 GB रैम सपोर्ट के साथ आता है, 64 एंड 128 GB के साथ। बैटरी का बात करें 4500 mAh का बैटरी है 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड प्राइस का बात करें तो 51,500। एंड ये डिवाइस आपको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इंडिया में ये स्पेक्स आपको उस डिस्प्ले को छोड़ के अंडर 30,000 में मिल जाता है। तो आप देखते हैं इंडिया में आता है तो कितना प्राइस होता है, नहीं तो लेने का जरूरत है नहीं। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है ये ओप्पो की तरफ से। वैसे तो ओप्पो अच्छा काम कर रहा है प्राइस को छोड़ के, पर अभी प्राइस में भी अच्छा काम कर रहा है। तो ओप्पो अपना रेनो 4 सीरीज का स्पेशल एडिशन इजिप्ट में लॉन्च किया है, जो कि है मोसाला एडिशन। अब हम गलत पढ़े हो तो उसके लिए सॉरी। एंड इसका प्राइस का बात कर रही है आपको 31,200 रुपीज में आता है। तो प्राइस तो अच्छा है और फोन भी अच्छा है, आप देखिए इंडिया में कब आता है ये डिवाइस। सो गाइज आपको याद होगा अभी काफी समय हो चुका है टिकटॉक के बैन हुए हुए। एंड सबसे हैरानी वाली न्यूज ये है कि जो अक्टूबर 2020 है उसमें टिकटॉक नंबर 1 मोस्ट डाउनलोडेड ऐप में आता है। एंड ये हमको बहुत हैरान किया। आप बताइए आपको ये न्यूज कैसा लग रहा है, मतलब टिकटॉक बैन हो चुका है तब भी वो सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप है। जो नेक्स्ट न्यूज है ये है आप लोग रेडमी नोट 8 यूजर्स के लिए। तो MIUI 12 रेडमी नोट 8 के लिए रोल आउट होना शुरू हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1-2 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए आपको कितना बग मिलता है इसके साथ, क्योंकि हमको अपने K20 Pro में बहुत बग मिला था। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है ये हम लोग का मोटरोला की तरफ से। तो मोटरोला अपना जी स्टाइलस फोन का रेंडर थोड़ा शेयर किया है एंड मतलब लीक हुआ है। तो इसका स्पेक्स का बात करें इसमें आपको 6.81 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 6 सीरीज का प्रोसेसर होगा, कौन सा होगा ये कुछ पता नहीं चला है। 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेटअप इसके साथ मिलेगा। एंड 60 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है, 4 GB रैम है, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, NFC मिलेगा, एंड्रॉइड 10 पे रहेगा, 4000 mAh बैटरी रहेगा। एंड प्राइस का भी पता नहीं चला है, पर ये अंडर 15,000 आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आई डोंट थिंक आपको ये लेना चाहिए। सो गाइज रियलमी X7 Pro इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो जल्दी से इसका थोड़ा हम लोग स्पेक्स का बात कर रहे हैं। इसमें आपको 6.55 इंच का फुल HD प्लस AMOLED 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले मिलेगा। Dimensity 1000 प्लस के साथ आएगा, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ है ये। 32 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा है एंड 5G सपोर्ट के साथ आ रहा है। बैटरी का बात करें तो 4500 mAh का बैटरी एंड 65 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा एंड इसका प्राइस है 25,490 रुपीज़। तो अगर ये इंडिया में इस प्राइस से आ रहा है या थोड़ा 1-2 हज़ार ज़्यादा से भी, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है, आप लोग इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस अभी लास्ट न्यूज़ की बारी, तो ओप्पो रेनो 5 टीना सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गया है। इसका स्पेक्स का बात करें तो 6.43 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। स्नैपड्रैगन 765G के साथ आ रहा है, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा इसके साथ आपको। 32 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा 6 GB एंड 8 GB रैम वेरिएंट में आएगा। 64 120 एंड 256 GB स्टोरेज वेरिएंट में है। 4300 mAh बैटरी के साथ आ रहा है, 65 और फास्ट चार्जिंग के साथ। नाउ इसका प्राइस क्या होगा वो अभी नहीं पता है, पर मेरे ख्याल से ये 30,000 के अंदर या उसके आसपास हो सकता है। फिलहाल अब देखते हैं क्या होता है। एंड यस गाइस आज के लिए इतना ही था, और अगर आपको ये टेक न्यूज अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मंडे टू फ्राइडे डेली टेक न्यूज मिलते रहे। एंड ये थोड़ा अलग सेटअप है क्योंकि अभी अपने घर पे नहीं है इसलिए, एंड अभी आपको 1-2 सप्ताह ऐसा ही मिलेगा, तो जो भी आसपास नॉइस आ रहा होगा उसको भी इग्नोर करिएगा। एंड यस इतना ही था, टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।